Hi guys, how are you all today? Welcome you all to my channel. I am Prerna and my channel's name is Super Beauty Desires. So guys, कैसे हो आप सब लोग? I hope बहुत ही अच्छे से होंगे. So आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक. तो आज का जो मेकअप लुक है वो मैंने क्रिएट किया है केवल 4 मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करके और काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ में शेयर करी है. सो अगर आप किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हो और आपके पास ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है सो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को. और अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करना हमारे चैनल को और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हिट लाइक भी जरूर करके जाना. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये वाला वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट गाइस, अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है तो फर्स्ट स्टेप में हम हमेशा अपने फेस पे जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर मैंने भी अपना मॉइस्चराइजर ले लिया है एंड देन आई विल यू नो अप्लाई इट ऑन माय ऑल ओवर फेस. After that, I am going to apply BB cream. तो मेरी BB cream बहुत ज़्यादा favorite है. मुझे ऐसे कभी daily natural makeup look try करना होता है तो मैं अपनी BB cream ही apply करती हूँ because ये बहुत ही अच्छी आपको एक natural finish provide करती है. तो मैं इसको जो है अपने hand से ही blend करना prefer करती हूँ because you do not need brush. बहुत ही easily से blend हो जाती है with the fingers. अगर आपने अच्छे से moisturizer लगाया है तो बहुत ही अच्छे से blend भी हो जाएगी और अच्छा coverage भी देगी. सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक ब्लश का हैक बता रही हूँ. तो अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप यू नो अपनी लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हो. नाउ बैक ऑफ द हैंड्स पे मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है. अब मैं यहाँ पर एक पेट्रोलियम जेली ले रही हूँ और उन दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर दूंगी. और जब आप मिक्स करोगे ना आप देखोगे कि बहुत ही एक लिक्विड सा टाइप का यू नो आपको ब्लश मिल जाएगा और इसको आप अपने चीक्स पे अप्लाई कर सकते हो एंड देन अपनी आई शेडो के रूप में भी अप्लाई कर सकते हो. It will give you a very flushed look जो कि बहुत ही natural लगता है. Then with the help of brush आप इसको जो है blend कर लो. okay? और आप अपनी eyelids पे भी एक बार यही brush को you know move कर सकते हो जिससे कि सब कुछ settle down हो जाएगा. Now it is time to apply काजल. तो मैं अपना सबसे अच्छा जो jet black वाला काजल है वो लेके अपने eyes के under लगाती हूँ because अगर काजल नहीं लगाऊँ ना तो वैसे भी eyes वगैरह बहुत sick लगती हैं, face थोड़ा सा ऐसे you know अच्छा नहीं लगता है मुझे. So I prefer to apply काजल every time whenever I do makeup. और इसी काजल पेंसिल की हेल्प से आई फिल माई आईब्रोज ऑल्सो. So after that I will apply mascara. So for mascara I am using Stays All Eyes On You Tubing Mascara. So okay guys, इसकी packaging मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है. Purplish kind की packaging है और आप इसका wound देख सकते हो. बहुत ही ज़्यादा stylish है और each and every आपको strands अलग से नज़र आ रहा होगा. तो चलिए जल्दी से इसको apply कर लेते हैं. सो एप्लीकेशन भी इससे बहुत ज़्यादा ईजी है एंड सिंपल है. एक एक आई लैशेज़ को आपके यू नो ये बहुत ही अच्छे से वॉल्यूमिनस बनाता है और लॉन्ग भी बनाता है. और एक यू नो अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई एनी फॉल्स आई लैशेज. सो वाओ गाइज, लुक हाउ माई आई लैशेज आर लुकिंग लॉन्ग एंड वॉल्यूमिनस. आई एम जस्ट लविंग इट. तो अभी आप देख सकते हो टोटल डिफरेंस. Now I am applying on other lash also and guys, Stays tubing mascara evenly coats each and every lash adding dramatic volume and length while keeping it clump free. Now as you can see both of my eyelashes are looking so amazing. I'm totally impressed. So now chalo ab hum isko ye bhi test karte hain that it is a smudge proof or not. So yes guys, it is a smudge proof. Aap dekh hi sakte ho main dono fingers se apni you know smudge karne ki try kar rahi hu but it is not getting smudged. So now let's see, is it easy to remove also? Because at the end of the day it is a big task to remove mascara while removing makeup. तो अभी आप देख सकते हो मेरे at the end of the day मेरे eyelashes अभी तक mascara के साथ में हैं. सो अभी मैंने एक कॉटन पैड को सिंपल वाटर से यू नो डिप करा है एंड देन आई एम जस्ट रिमूविंग द मस्कारा. एंड गाइज, यू कैन सी ईजिली बहुत ही अच्छे से मस्कारा निकल के आ गया है. सो एक ही बार में रिमूव हो गया. गाइज, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दिस स्टेज ट्यूबिंग मस्कारा. यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. आई हैव गिवन ऑल द लिंक्स रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू गो गाइज एंड चेक दिस प्रोडक्ट आउट. सो आई एम गिविंग हेयर माई कूपन कोड SBD15 for 20% off on staysbeauty.com. It is surely gonna enhance your look, so do try it out.
सो नाउ लेट्स अप्लाई द लिपस्टिक विच इज द लास्ट स्टेप इन आवर मेकअप. अभी लास्ट स्टेप नहीं है, एक और स्टेप मैं आपको बताऊंगी विच इज माई हैक ऑल्सो. सो आई एम अप्लाइंग हेयर द पिंक कलर बिकॉज इट इज यू नो बहुत समरी वाइब्स प्रोवाइड करेगा आपको. तो अगर आप इस तरीके का कोई आउटफिट पहन रहे हो, समरी आउटफिट, तो ये शेड जो है आपको बहुत सूटेबल रहेगा. और अगर आपको एनी टाइम लगता है इट इज लाइक लाउड, तो जस्ट टेक योर ब्रश एंड मूव ओवर योर लिप्स, और इससे जो है आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी ऐसे मैट टाइप की हो जाएगी. नाउ दिस इज द ऑप्शनल स्टेप. अगर आपके पास ऐसा कोई लिप ग्लॉस है तो आप उसको चीक्स पे अप्लाई कर सकते हो. इससे आपके जो सेल्फीज हैं, पिक्चर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे आते हैं, आपके फेस को एक ग्लो भी मिल जाता है. सो येस, इट वॉज माई हैक, डू ट्राई इट आउट. सो ऑल राइट गाइज, दिस इज माई फिनिश्ड ऑल ओवर लुक. आज मैंने बिल्कुल ही सिंपल एंड नेचुरल मेकअप ट्राई आउट किया है विद ओनली 4 मेकअप प्रोडक्ट्स. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर करना. मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब. आई शैल मीट यू इन वन अनदर अमेजिंग मेकअप वीडियो. टिल देन स्टे ब्यूटिफुल, स्टे स्टाइलिश. बाय बाय, सी यू.